नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। विनोद कांबली भारत के पूर्व क्रिकेटर, एक जमाने में उभरते हुए क्रिकेटर थे, लेकिन जिस तरीके से उनका क्रिकेट का डाउनफॉल आया उसके बाद से लगातार विनोद कांबली विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विनोद कांबली पर एक के बाद एक विवाद जो है वो होते रहते हैं, और अब विनोद कांबली पर उनकी पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाया है। विनोद कांबली पर आरोप है कि नशे की हालत में उन्होंने अपनी पत्नी से पहले गाली गलौज की, उसके बाद मारपीट की। पत्नी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है। विनोद कांबली पर FIR दर्ज कर लिया गया है। अब विनोद कांबली की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि विनोद कांबली किसी मुश्किल में या किसी विवाद में फंसे हो। इससे पहले भी कई मौकों पर विनोद कांबली पर जो विवाद हैं वो होते रहे हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया है, और विनोद कांबली पर मारपीट के आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज करा ली गई है। आपको अगर पूरा मामला बताएं तो पूरा मामला विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट का आरोप है कि विनोद कांबली ने नशे में उन पर कुकिंग पैन का हैंडल फेंक दिया, जिस वजह से उनके सिर में चोट लगी। जानकारी के मुताबिक ये घटना शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास की है। कांबली उस वक्त, बताया जा रहा है कि उस वक्त वो नशे की हालत में बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पहुंचे और अपनी पत्नी को पहले तो गालियां दी, इसके बाद वो दौड़कर किचन में गए और कुकिंग पैन का हैंडल लेकर उनकी पत्नी पर फेंक दिया। बांद्रा पुलिस के एक अधिकारी ने इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस के आने से पहले विनोद कांबली की पत्नी ने अपना भाभा अस्पताल में इलाज कराया। आपको बताते चले, बांद्रा पुलिस ने अपने बयान में कहा कि पूर्व क्रिकेटर कांबली के खिलाफ IPC की धारा 324 यानी स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इस घटना को कांबली के 12 साल के बेटे ने देखा और उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विनोद कांबली शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे और दौड़कर किचन में गए, वहां से पैन का हैंडल लेकर आए और अपनी पत्नी पर फेंक दिया। इस पूरे मसले पर विनोद कांबली की पत्नी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, उसे शांत करने की कोशिश करने के बावजूद उसने मुझे और मेरे बेटे को बिना किसी कारण के गाली दी। खाना पकाने वाले पैन हैंडल को मारने के बाद उसने फिर से बल्ले से हमला किया। मैं उसे रोकने में कामयाब रही, उसके बाद अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुंची। आपको बता दें कि 51 साल के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू में नौकरी को लेकर बात कही थी। कांबली ने कहा था कि उनके पास कोई काम नहीं है और वो BCCI की पेंशन के भरोसे ही जी रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही नशे में ड्राइविंग करने को लेकर भी विनोद कांबली सुर्खियों में बने हुए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।